भाइयों और बहनों, बीजेपी हमेशा से ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए समर्पित रही है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस सरकार ने सबसे पहले अलग ट्राइबल मंत्रालय, ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाई, ट्राइबल के डेवलपमेंट के लिए अलग बजट बनाया। हमारी सरकार ने इस बजट को लगातार बढ़ाया। कांग्रेस की सरकारें आदिवासियों के लिए जितना बजट रखती थी, उससे 5 गुना अधिक बजट इस बार हमने दिया है। इसका लाभ मेघालय के जनजातीय समुदायों को भी होने वाला है। बीजेपी सरकार ने बैंबू से जुड़ा जो पुराना कानून, उसको भी खत्म किया, उसका लाभ भी हमारे ट्राइबल समाज को हो रहा है। जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, तो नॉर्थ ईस्ट के जनजातीय स्टूडेंट्स को 150 करोड़ रुपए से भी कम स्कॉलरशिप मिलती थी। आज ये बढ़कर करीब 400 करोड़ हो चुकी है। इससे नॉर्थ ईस्ट के लगभग 4 लाख युवाओं को लाभ हो रहा है। पिछले 9 वर्षों में आदिवासी क्षेत्रों के लिए हमने 5 गुना ज्यादा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्वीकृत की है। इनमें से लगभग 40 स्कूल मेघालय में ही बन रहे हैं। इस वर्ष के बजट में केंद्र सरकार ने इन एकलव्य स्कूलों के लिए हजारों टीचर्स की भर्ती करने का प्रावधान किया है।